सक्सेस फिल्म पेश करते हैं गीत की बात विनोद त्रिवेदी के साथ। सुरों और आवाजों से जन्मी एक ऐसी दुनिया जिसकी नहीं है कोई सरहद। इसका पहला और आखिरी नाम है मोहब्बत, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। सुर, साज और आवाज के इस सफर में संगीत के साथ साथ होगी गीत की बात। दोस्तों, गीत की बात में आज एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जो सही मायने में मल्टी टैलेंटेड यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, जो एक पार्श्व गायक, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। जिन्होंने कई भारतीय भाषाओं बंगाली, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू जैसी अन्य भाषा में गायकी की है। जिनके निजी एल्बम विशेष रूप से बंगाली भाषा में आज भी क्लासिक रूप में जाना जाता है, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायकी के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त है। मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गायक। आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सब प्रेम नमस्कार। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बंगाली परिवार में हुआ। इनका नाम अभय कुमार था। पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील और माँ गौरी देवी अमीर बंगाली परिवार से थी। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहां। किशोर कुमार सबसे छोटे थे। सबसे बड़े भाई अशोक कुमार, सती देवी और अनु कुमार थे। बड़े भाई अशोक कुमार बॉलीवुड में प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त अभिनेता थे। दूसरे भाई अनु कुमार भी भाई अशोक कुमार की मदद से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। ईसाई कॉलेज इंदौर से स्नातक करने वाले किशोर कुमार को भाइयों की संगति से फिल्म और संगीत में रुचि उत्पन्न हो गई। वह गायक अभिनेता केएल सैगल के बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। उन्हें ही अपना गुरु मान के उनके गायन शैली को अनुकरण कर सीखने और गाने लगे। अशोक कुमार का हिंदी फिल्म का स्टार बनने के बाद गांगुली परिवार नियमित मुंबई आने लगा। किशोर कुमार ने अपना नाम अभय कुमार से बदलकर बॉम्बे टॉकीज के कोरस गायक के रूप में अपने सिनेमा के सफर की शुरुआत की। और मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है। किशोर कुमार की पहली फिल्म 1946 में शिकारी थी, जिसमें उनके भाई अशोक कुमार ने काम किया था। गाना, गाना,
इसके बाद कई अन्य पेशकश किशोर कुमार को मिले, लेकिन तब तक किशोर कुमार अपने फिल्म कैरियर को लेकर गंभीर नहीं थे। सन 1951 में किशोर कुमार ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन फनी मजूमदार ने किया था। सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है, सुबह की पहली किरण तक जिंदगी मुश्किल में है। ए वतन वालों अधेरा आखिरी मंजिल में है। किशोर कुमार ने 1954 में बिमल रॉय की फिल्म नौकरी और ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में 1997 बनी फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में तीनों भाइयों ने अभिनय किया था। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए हो, यूं ही फिसल गए, आ आ आ, उड़े थी उड़े थी उड़े। फिल्म हाफ टिकट में सलील चौधरी एक युगल गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन लता मंगेशकर शहर में नहीं थी। किशोर कुमार ने इस गीत को महिला की आवाज और पुरुष की आवाज में गाना गाकर सलील चौधरी की समस्या का हल कर दिया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, 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 ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरिया। एसडी बर्मन को किशोर कुमार की प्रतिभा को निखारने का श्रेय जाता है। फिल्म मशाल के निर्माण के दौरान एसडी बर्मन अशोक कुमार के घर आए, जहां किशोर कुमार ने केएल सहगल की नकल कर गाना गाया। बर्मन ने किशोर कुमार को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही कहा कि केएल सहगल की नकल करने के बजाय तुम अपनी खुद की शैली विकसित करो। इनकी बात को मानते हुए किशोर कुमार ने अपने गायन की शैली विकसित की। एसडी बर्मन ने देवानंद की मुनीम जी, टैक्सी चालक, हाउस नंबर 44, 9211, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थी, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने में किशोर कुमार को गाने का मौका दिया। आप हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। संगीत निर्देशक सी रामचंद्र ने किशोर कुमार की प्रतिभा को एक गायक के रूप में मान्यता दी। उन्होंने 1957 में आशा फिल्म का इना मीना डिका सहित कई गाने पर साथ काम किया। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी, हंसेगी 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 मेरी प्यारी इना मीना डिका, इना मीना डिका, बेटा इना मीना डिका, बेटा इना मीना डिका, मका नका नका, शंकर जयकिशन के साथ किशोर कुमार ने सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, सी ए टी कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ, मैड माने पागल, पियो बॉय बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुमको हो तो क्या हुआ। फिल्म दिल्ली का ठग का हम तो मोहब्बत करेगा, हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा,
दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा। 1956 में नई दिल्ली फिल्म का नखरे वाली अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां मन की काली, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, डिडलिए चित्रगुप्त के साथ फिल्म गंगा की लहरों से छेड़ो ना मेरी जुल्फे में किशोर कुमार ने काम किया। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। घुंघरू में किशोर कुमार ने अभिनय और संगीत निर्देशन दोनों किया था। फिल्म का टाइटल ट्रैक गीत किशोर कुमार ने ही लिखा था। मैं हूँ झुम 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 झुमरू खक्कड़ घूम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। सौ साठ के आखिरी दशक में किशोर कुमार ने आरडी बर्मन के साथ पड़ोसन फिल्म के साउंडट्रैक पर काम किया। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। बाद में किशोर कुमार ने दूर गगन की छाव में फिल्म का निर्माण किया। इन्होंने इस फिल्म का स्क्रिप्ट और संगीत दिया था। जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहां रंग बिरंगे पंछी आशा। किशोर कुमार की संगीत का सफर अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा। गगन के तले प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। गीत की बात। दिस प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय सक्सेस फिल्म्स इंडिया, प्रेजेंटेड बाय विनोद त्रिवेदी, डिजाइन बाय कमल सुधीर।